आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की खबर मिल रही है। गैलेक्सी आवास के बाहर यह फायरिंग की खबर है। बाइक पर सवार दो अपराधियों ने फायरिंग की है और फायरिंग में कोई भी घायल नहीं बताया जा रहा है। ये राहत की बात। पुलिस ने सलमान खान के घर की सुरक्षा इस फायरिंग के बाद बढ़ा दी है। हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो इस फायरिंग के बारे में और विस्तार से हमें बताएंगे। मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए गणेश, क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, सुबह 4:45 बजे दो अज्ञात लोग शूटर्स बाइक पर आए, हेलमेट उन्होंने पहना हुआ था और सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सड़क पर थी। 3 राउंड फायर हवा में उन्होंने की, उसके बाद वहां से वो भाग गए। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अपने नेटवर्क के जरिए इन तक पहुंचने की कोशिश में है। साथ ही पुलिस का एक कहना ये भी है कि ये दहशत फैलाने के लिए किया गया है, हमला है, और सलमान खान उस वक्त शायद घर पे ही थे। इस बात की पुष्टि अब तक पुलिस ने नहीं की है, लेकिन सलमान खान और उनके परिवार से पुलिस की बातचीत चल रही थी कि ये बहुत गंभीर मामला है। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से जब सेट परसेप्शन है उसको देखते हुए उनको जेड सिक्योरिटी दी गई है पुलिस की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें सिक्योरिटी दी है। और लॉरेंस बिश्नोई ने एबीपी न्यूज के ही इंटरव्यू में ये बात कही थी कि सलमान खान के बारे में जो उनका गुस्सा है वो वक्त व्यक्त किया था और उनको इस मामले में उन पर कार्रवाई की जाएगी या उन पर हमला किया जाएगा, ऐसा बार बार कहते आ रहे थे। और आज संभवतः उन्हीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने ही ये फायरिंग की होगी, ऐसी आशंका है। और ठीक है गणेश, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बाइक पर सवार थे दो आरोपी जिन्होंने फायरिंग की सलमान खान के घर के बाहर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।